हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो यहाँ पर भूगोल। वैसे पार्ट देखा जाए तो ये हमारा 17वां पार्ट है, क्योंकि हमने संविधान और इतिहास के भी क्वेश्चन देख चुके हैं और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। यानी सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, तो ये किसने कहा था 1998 का, यह दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कोपरनिकस। तो इससे संबंधित फैक्ट हमने कल के वीडियो में भी देख लिए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। 2008 का ये क्वेश्चन है। देखिए घटते क्रम क्या होता है, घटते क्रम वो होता है यानी सबसे बड़ा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम क्रम वाइज इसे जमा लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है वो यहाँ पर बृहस्पति है, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर है वो है यहाँ पर शनि, और थर्ड नंबर पर है वरुण, और फोर्थ नंबर पर है यहाँ पर हमारी पृथ्वी। तो इस प्रकार से आपके ग्रह का क्रम भी याद होना चाहिए। बाकी ये जो हमारा जो यूनिवर्स वाला टॉपिक है वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये ओल्ड क्वेश्चन है तो इसलिए हम इन्हें यहाँ पर कर रहे हैं, यानी किस टाइप से क्वेश्चन का लेवल परिवर्तित हुआ है वो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है, 2010 का एक क्वेश्चन है। आप सभी को पता है बुध, शुक्र और शनि ये सब सौरमंडल के ग्रह हैं। बाकी जो फ्लोरिडा है ये सौरमंडल का ग्रह नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण कब होता है, 1993 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हो गया हमारा सूर्य, और उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर हो गई पृथ्वी। अब देखिए ये जो सूर्य है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ से टर्न होकर इधर से निकल जाता है और ये इधर से यहाँ से ऐसा निकल जाता है, यानी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। यानी बस सिंपल सा आपको याद रखना है कि जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो देखिए इसका हम यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं, जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर है चंद्रमा, यानी कि जो चंद्रमा है ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो दोस्तों ये आपको पृथ्वी ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अर्थ है यानी पृथ्वी, ये जब बीच में आ जाती है जब चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। यानी कि सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, आएगा तो चंद्रमा और पृथ्वी, इनमें कन्फ्यूज होते हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो सूर्य का आकार है पृथ्वी के कितने गुना है, 2014 का क्वेश्चन है। लुसेंट में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इसका ये है यहाँ पर 109 गुना, ठीक है। तो लुसेंट भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद में जो आपके पास अदर सोर्स है तो उससे भी आपको पढ़ना है। बाकी एक बार आपको लुसेंट जरूर रिवाइज करना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, 1996 का क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 8 मिनट, यानी देखा जाए तो 8 मिनट और 16 सेकंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सेकंड की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको 500 सेकंड, यानी लगभग 500 सेकंड, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, 1993 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मंगल ग्रह। अब देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी के निकटतम ग्रह की यदि हम बात करें तो सबसे निकटतम कौन सा है, आपको ध्यान रखना है, सबसे निकटतम है शुक्र और फिर उसके बाद में मंगल और फिर है बुध। बाकी यहाँ पर शुक्र अभी नहीं दिया गया है, तो इस हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर मंगल। बाकी ये यूनिवर्स वाले से अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे एमपीपीएससी में, बाकी हम जब भी देख लेते हैं, क्योंकि ये नॉलेज के लिए अच्छे होते हैं, यदि आप कोई सा अदर एग्जाम भी देते हैं तो उसमें तो ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पर्यावरण से भी संबंधित है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, 2015 में एक बार पूछ चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अप्रैल। आप सभी को सारे दिवस अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, खासतौर पर जो पर्यावरण से संबंधित दिवस है वो अधिकतर पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा 5 जून तक पूछ लिया गया है, 5 जून पर्यावरण दिवस और जल दिवस, पृथ्वी दिवस, तो इस प्रकार के जो जो दिवस हैं तो वो आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों ये क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूरेनियम द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, 2012 का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर प्लूटो, यानी प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, 2006 में हटा दिया गया है और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर अभी देखा जाए तो अभी कितने ग्रह हैं दोस्तों, 8 ग्रह हैं, और उसके बाद में अभी सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं या
उपग्रह की संख्या की यदि बात करते हैं तो वो दोस्तों यहाँ पर है अभी शनि की, यानी 2019 में अभी शनि की चंद्रमाओं की संख्या यहाँ पर कितनी हो चुकी है दोस्तों, 82 यहाँ पर इसकी चंद्रमाओं या उपग्रह की संख्या हो चुकी है। यानी वर्तमान में सबसे ज़्यादा अभी जो उपग्रह हैं, खोजे गए उपग्रह, वो शनि के पास में है और सेकंड हमारा बृहस्पति है। और सबसे पहले क्या था, बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, यहाँ पर इसके पास लगभग 67 उपग्रह थे, बाकी यहाँ पर शनि के कम से कम 35 से 40 उपग्रह अभी वर्तमान में मिल चुके हैं। तो अभी शनि के बात सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, 1995 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर है 1969, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें यहाँ पर क्या हुआ था, अमेरिका को जो एक फर्स्ट विमान गया था अपोलो 11 का भी नाम याद रखना है, अपोलो 11 मिशन गया था, उसमें यहाँ पर तीन वैज्ञानिक गए थे, यानी तीन वैज्ञानिक न कहते हुए हम जो तीन अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं, एक तो थे नील आर्मस्ट्रांग, सभी को पता है, उसके बाद में माइकल कोलिंस और तीसरा है दोस्तों एडविन एल्ड्रिन जूनी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों का नाम एक बार और मैं बता देता हूँ, तो नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनी। नेक्स्ट है दोस्तों कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, 1995 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा पर ये जो काले धब्बे होते हैं उन्हें ही यहाँ पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, और इसे शांति का सागर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हेल बॉब किसका नाम है, 1997 का क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पर पुच्छल तारा, यानी पुच्छल तारे को हेल बॉब कहा जाता है। अब देखिए हेल बॉब क्यों कहा जाता है, यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे, एक तो एलन होप और एक थे थॉमस बॉब, तो इन दोनों का सरनेम मिलाकर इसका नाम रख दिया गया है। तो ये पुच्छल तारा को हम धूमकेतु भी कहते हैं और हेल बॉब भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा, 1992 का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आता है तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ निकालने का, यानी एक डिग्री देशांतर कितने मिनट का होता है, एक डिग्री देशांतर दोस्तों ये होता है 4 मिनट का, ये आपको कन्फर्म हो गया। अब हमें निकालना कितने का है, 90 डिग्री का, अब तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 90 और इसमें इंटू कर देंगे 4 का, तो 90 में 4 का इंटू करेंगे, अभी ये हमारा मिनट में आंसर आएगा, तो 90 का 4 में इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 360। अब 360 ये मिनट में आया है, बाकी जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन यदि देखा जाए तो यहाँ घंटे में दिया, अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, 60 का भाग किया जाता है। अब 60 का भाग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 × 36 और ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 6 घंटे हमारा आ चुका है। तो ये हमारा ये बी वाला ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी उसका समय अंतराल निकाल सकते हैं। दोस्तों अब ये है हमारा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। अब देखें आपका एक काम है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और उसके बाद में हो गई हमारी मकर रेखा, तो ये तीनों किन किन देशों से होकर गुजरती है यह आपको ध्यान रखना है, और ये आपको नोट्स में अपने लिख लेना है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना है, क्योंकि विश्व भूगोल हमारे उसमें एड है सिलेबस में, तो इससे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों ये 2012 का क्वेश्चन है, अब इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मैक्सिको। अब भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा ये 13 देशों से होकर गुजरती है, और भूमध्य रेखा को आप ध्यान रखोगे सबसे बड़ा वृत्त वृत्त है ये 0 डिग्री अक्षांश से है, यानी ये पृथ्वी है, इसके यहाँ पर सबसे बीचम बीच से होकर गुजरती है, और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, तो इसका वही आंसर है भूमध्य रेखा, यानी यहाँ पर क्या होते हैं 12-12 घंटे के यहाँ दिन रात होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। देखिए अब इसे थोड़ा सा यहाँ पर समझने लायक बात है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखिए ये जैसे पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, उसके बाद में यहाँ 23.5 डिग्री पर ऊपर उत्तर में कर्क रेखा है, और इधर दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा दिन पूछा है यहाँ पर, तो सबसे छोटा दिन अगर उत्तरी गोलार्ध की यदि बात की जाए तो सबसे छोटा दिन कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, यहाँ पर 21 जून होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर इसके विपरीत यदि चला जाए तो दक्षिण गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है वो सबसे छोटा दिन होगा, यानी कि देखिए ये 22 दिसंबर इधर सबसे छोटा दिन है, और दक्षिण गोलार्ध में ये 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन होगा, और ये 21 जून के दिन यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में, यानी दोनों आप एक साइड का याद रख लीजिए और दूसरे का आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ध्यान रह जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 2015 का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहे हैं या दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहे हैं। बाकी हम यहाँ पर वो भी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमें इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 21 जून ही मानना है, क्योंकि हम इसे अभी 21 जून को सबसे बड़ा दिन मानते हैं क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसका राइट आंसर भी आयोग ने उस टाइम यही माना था, 21 जून। अब दोस्तों यहाँ पर 21 जून को आपको मैं एक बात बता दूँ, 2015 में 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है इसलिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि महान हिमवान युग का संबंध किससे है, 2013 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है तो ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन नहीं किया गया है तो इससे शायद ही यहाँ पर क्वेश्चन बने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर फिर भी हम देख लेते हैं, प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन है इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पुराना था या कितने साल पुराना था, 2005 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों 18 करोड़ वर्ष पूर्व, और जो इनका काल था डायनासोर का वो था दोस्तों जुरासिक काल, आपने सुना होगा जुरासिक काल का डायनासोर। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग है, इसमें वर्तमान का समय निम्न भाग शामिल था। तो 2008 का एक क्वेश्चन, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि ये हमारी यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है और यहाँ पर क्या हुआ हुआ करता था, सबसे पहले यहाँ पर एक पेंजिया था, तो पेंजिया का क्या हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ तो ये जो उत्तर का जो भाग इसका टूट के गया तो उसे क्या कहते हैं, लारेसिया, उत्तर का जो भाग है लारेसिया और जो दक्षिण का भाग है वो है गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो पेंजिया है दो भागों में विभक्त हो गया था, उसके बाद में ये जो दक्षिण का भाग है गोंडवाना लैंड, उत्तर का भाग क्या है लारेसिया। अब लारेसिया में आने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा देखे जैसे कि यहाँ पर ये भारत है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा भारत का मैप बना देता हूँ, देखिए जैसे कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये भारत है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो भाग है ये लारेसिया का भाग है यहाँ पर इतना, और जो ये इधर जो नीचे का भाग होता है जो भारत का, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो ये पूरा गोंडवाना लैंड का भाग है, यहाँ पर आपको पता होगा सतपुड़ा में भी, हमारे मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना लैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा गोंडवाना लैंड है क्योंकि ये नीचे का जो भाग है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इन दोनों के टकराने से ही यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पर श्रृंखला बनी है, और ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो ये हिमालय है, हिमालय की जगह सबसे पहले क्या था, टेटिस सागर था, बाकी ये फिर क्या हुआ, ये लारेसिया टूटकर इधर गया तो यहाँ पर ये हिमालय दब गया है, और ये क्या है, इधर दोनों पहाड़ टकराने से हिमालय कि जो ऊंचाई है वो बढ़ गई है, और अभी भी यहाँ पर ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है। आपने कभी पढ़ा होगा 1848 था और अभी 1850 हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सभी मैंने आपको बताया, जो उसका जो निम्न भाग है जो गोंडवाना लैंड का भाग है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत भी इसमें ही शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि वहाँ 1993 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो वहाँ क्या है, पानी के नीचे बनती है, आपने सभी ने देखा होगा जो बालू रेत है पानी से निकाली जाती है और बलुआ पत्थर भी हमें वहीं दिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्टाम्बोली है एक, 2017 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर एक जागृत ज्वालामुखी है ये, और ये क्या है, भूमध्य सागर में स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, 2012 का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो एंडीज पर्वतमाला है या पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है, दक्षिण अमेरिका, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और 7200 किलोमीटर लंबी है ये। अब देखिए जैसे कि ये यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये क्या है, ये दोस्तों ये है अमेरिका, ठीक है। अब ये इस टाइप से है अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप में बना रहा हूँ, तो ये जो उत्तरी अमेरिका है और ये क्या है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो इंडीज पर्वतमाला है ये यहाँ से लेकर तो ये यहाँ से लेकर तो पूरे यहाँ तक फैली हुई है, ये आपको पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है दोस्तों कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, 2010 का क्वेश्चन, सभी को पता है सहारा, सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये क्या है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, यानी जो अफ्रीका है, देखिए जैसे कि ये यहाँ पर तो ये हमारा ये क्या है, ये भारत है, ठीक है दोस्तों, ये भारत है और यहाँ यहाँ पड़ता है अफ्रीका, तो ये अफ्रीका इस टाइप से कंट्री है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ये इधर जो उत्तरी अफ्रीका है तो उसमें ये सहारा रेगिस्तान ये पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 35 लाख वर्ग मील, ये मील में है ना। नेक्स्ट है दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आप सभी को पता है और ये कल कल में भी हमने देख लिया था, एक बार और पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये बांग्लादेश है। इसका राइट आंसर बांग्लादेश होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? 2017 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए ये इराक और ईरान में ज़्यादा कन्फ्यूज यहाँ पर होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर इराक। इराक कैस्पियन सागर का देश नहीं है। अब दोस्तों कैस्पियन जो सागर है वो पश्चिमी एशिया तरफ स्थित है, यानी देखिए ये हमारा एशिया महाद्वीप हो गया और इधर का इसका पश्चिमी भाग इधर होता है, तो इधर इसका पश्चिमी भाग होता है और यूरोप ये यहाँ पर पड़ता है दोस्तों, यूरोप और यूरोप का पूर्वी भाग, तो यहाँ पर है दोस्तों कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर है, अब इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि कैस्पियन सागर में कितने देश आते हैं, तो 5 देश इनका नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है अजरबैजान, दूसरा है दोस्तों रूस, तीसरा है कजाकिस्तान और चौथा है तुर्कमेनिस्तान और जो पांचवा है वो है ईरान। आपको अच्छे से ध्यान रखना है ईरान, ठीक है, ईरान आपको ध्यान रखना है क्योंकि ईरान और इराक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बालकन देश नहीं है? 2004 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बालकन दक्षिण पूर्व यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब मैकमोहन लाइन क्या है? 1999 का क्वेश्चन, आप सभी को पता है जो मैकमोहन जो लाइन है वो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है मैकमोहन लाइन, और ये 1914 में निर्धारित हुई थी, और 1914 में जो ये निर्धारित हुई थी तो ये ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य निर्धारित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ना कि भारत, तब उस टाइम भारत नहीं बना था, उस टाइम हम ब्रिटिश के उपनिवेशक थे, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि पेरू की राजधानी क्या है? देखिए अब यहाँ पर हमारे जो देश है, विभिन्न जो देश है उनकी राजधानी और मुद्रा तक आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे भी आप क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। आप सिलेबस अच्छे से देखिएगा एक बार, उसमें लिखा है विश्व के प्रमुख महाद्वीप, देश, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये दिए हुए हैं, आप अच्छे से देखोगे तो वहाँ पर आपसे देशों की राजधानियाँ भी पूछी जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है यहाँ पर लीमा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू। नेक्स्ट है दोस्तों वियना किस देश की राजधानी है? 1992 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा है, और ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की क्या है राजधानी? वियना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो वियना है, वियना में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ये मुख्यालय है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और आप चाहें तो हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक देकर रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप पर आप चाहें मनचाहे पोस्ट भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो आपको अलग अलग वीडियो भी वहाँ पर दिखाई देंगे, मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, जैसे एमपी करंट अफेयर और ये ओल्ड पेपर की हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और वहाँ पर विभिन्न आयोग हम करवा रहे हैं, और बाकी भी अन्य सीरीज जल्दी स्टार्ट होगी।